हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस की तरफ से आयोजित किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी के सामने 45 दिन का हिसाब देते हुए कहा कि जब मैंने पदभार संभाला तो यहां बीजेपी तिजोरी खाली कर चुकी थी। बीजेपी ने प्रदेश की व्यवस्था चौपट करके रखी थी। हमने लक्ष्य बनाया कि सबसे पहले हम अपने कृषि क्षेत्र को जीवित करेंगे। कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के नौजवानों ने आपका चेहरा पहचान लिया है, आप संभल जाइए, आप नारों से काम नहीं चलेगा, विज्ञापनों से काम नहीं चलेगा, आप नौजवान ही इस देश का निर्माण करेंगे। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता ने सच्चाई का साथ दिया, कांग्रेस का तो साथ दिया, पर साथ साथ अपने सामने जो मध्य प्रदेश की तस्वीर थी वो तस्वीर को देखते हुए उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज इस पहली सभा मुख्यमंत्री पद के संभालने के लिए उन्हें वचन देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता निराश नहीं होगी। 45 दिन हुए हैं जब से मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इस 45 दिन से करीब 8 दिन तो मैं बाहर रहा, 37 दिन मैं भोपाल में रहा, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी बेचैनी समझता हूं कि आपने वचन पत्र में ये कहा है, वचन पत्र में वो कहा है, कब इसकी पूर्ति होगी। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूं, 45 दिन हुए हैं, आप 100 दिन तो पूरे होने दे दिए, आप देखिएगा कि क्या अंतर है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। हमारी घोषणाओं की सरकार नहीं है, विज्ञापन की सरकार नहीं है। मैंने तो फैसला किया कि कमलनाथ की फोटो कोई अखबार में नहीं छपेगी। पहले 30 दिन में से 26 दिन आप जानते हैं किसकी फोटो छपती थी, याद होगा, इतने साल आप एक फोटो देखते रहे, पर मैंने फैसला किया। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने सच्चाई का साथ दिया है, कांग्रेस का साथ दिया। मैं ये वचन देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता निराश नहीं होगी। 45 दिन हुए हैं जब से मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 100 दिन तो पूरे होने दीजिए, आप देखेंगे कि क्या अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। और पिछले 45 दिन में हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अगले 10 दिन में। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को मौका मिलता है, पर शहरी क्षेत्र के नौजवानों को मौका रोजगार का नहीं मिलता। 6 लाख नौजवानों को हमारी शहरी क्षेत्र में मौका मिलेगा, 6 लाख नौजवानों को चार हजार रुपए प्रति महीने 100 दिन के लिए। आप जानते हैं इसकी घोषणा हो चुकी है कि हमारा वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन हमने 300 से 600 रुपए किया है। हमने वचन पत्र में कहा था हम 1000 रुपए करेंगे, मैंने तो 1.5 महीने में 300 रुपए से 600 रुपए कर दिया और इसे हम बढ़ाते जाएंगे। इंदिरा गृह ज्योति योजना 100 यूनिट हमारी सरल योजना में 100 यूनिट 200 रुपए के थे, हमने तय किया है कि 100 यूनिट 200 रुपए के अब हम 100 रुपए में करेंगे, 100 यूनिट 100 रुपए, और इसमें 62 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, और जो हमारे SC ST के उपभोक्ता हैं 33 लाख उनको 25 यूनिट, अब हम जो ऊपर आधे से ऊपर होते हैं उनको हम 100 यूनिट का
पैसा दे दे। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन हो गया था, बलात्कार के मामलों में नंबर वन हो गया था। जब हमने सरकार संभाली तो यह स्थिति थी। हमारी सबसे बड़ी चुनौती नौजवान और किसान है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। 70% लोगों की आजीविका खेती पर आधारित है। अगर ये क्षेत्र ही चौपट रहा तो अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र को जीवित करना होगा। हमारे बिजली बिल वचन दिया था कि हम बिजली बिल को आधा करेंगे। 1400 रुपए जो प्रति हॉर्स पावर था हमने तय किया है और लागू करेंगे, कुछ दिनों में लागू करेंगे। ये 1400 रुपए 700 रुपए पर हॉर्स पावर, जिसमें 19 लाख किसानों का फायदा होगा। हमारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 28,000 रुपए से हमने 51,000 रुपए कर दिए। ये तो शुरुआत है, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तो 45 दिन की शुरुआत है। हम वचनबद्ध हैं अपने वचन पत्र से। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ने राहुल जी मध्य प्रदेश ने हमारे कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराया है। अब मध्य प्रदेश की जनता दिल्ली में संसद भवन में कांग्रेस का झंडा लहराएगी। और मुझे कोई शक नहीं, आज जो मेरे बाद आपको संबोधित करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी तो हैं, पर हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अपने देश के नौजवान, अपने देश के किसान, अपने देश की महिलाओं ने ये बात तय कर ली है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार कितनी जल्दी हम ये भाजपा की सरकार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।